ओके गाइस, तो अभी देखिए यहाँ पे प्रिंट डायलॉग बॉक्स क्या होता है, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, आप सब लोगों को पता है कि जब भी आप प्रिंट बटन पे क्लिक करते हो जनरली, जैसे वर्ड फाइल होगा या कोई भी एप्लीकेशन होगा, तो प्रिंटर का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है। तो वो डायलॉग बॉक्स अगर हमें C#.NET में यूज़ करना है, तो जैसे हर एक डायलॉग बॉक्सेस का बिल्ट इन क्लास वहाँ पर अवेलेबल है, हमें सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है और वो जो कंट्रोल है डायलॉग बॉक्स का वो हमारे एप्लीकेशन पे हमें ऐड करना होता है। सो ये जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स है वो किस तरीके से यूज होता है उसको देखते हैं। तो आपके सामने अभी फ़िलहाल एक एप्लीकेशन दिख रहा है जिसमें सिर्फ बटन वन है। अब यहाँ से सिर्फ प्रिंट डायलॉग बॉक्स हमें शो करना है। अब ये फॉर्म मैंने लिया, फॉर्म पर एक बटन ऐड किया और नीचे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर एक प्रिंट डायलॉग वन करके एक ऑप्शन आपको दिखेगा। सो टूल बॉक्स में जाके, डायलॉग बॉक्सेस में जाके मैंने ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ऐड किया हुआ है। नाउ इसका आउटपुट देखते हैं पहले कि क्या है, फिर उसके बाद हमने क्या किया है उसके बारे में रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम। सी दिस, ये हो गया आपका आउटपुट। अभी इस पर बटन वन पर क्लिक करते, जैसे ही बटन वन पर क्लिक करेंगे ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स आ गया। अब ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स आने के बाद इसको अगर हम ओके करते हैं, तो अभी फ़िलहाल हमारे पास प्रिंटर तो है नहीं, ओके। तो बस हमें यहाँ पे शो करना था प्रिंट डायलॉग बॉक्स, तो हम इसको स्टॉप करते हैं और हमें बटन के ऊपर क्या कोडिंग किया है उसके ऊपर भी एक नज़र डालते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट कोडिंग वी हैव डन। सो बटन पे डबल क्लिक करते हैं, जस्ट प्रिंट डायलॉग बॉक्स शो करना है, दैट्स इट, कुछ भी करना नहीं, जस्ट शो करना है। प्रिंट डायलॉग पी इक्वल टू न्यू प्रिंट डायलॉग, ओके, और पी डॉट शो डायलॉग। अब यहाँ पे जैसे हमने पिछले इसमें किया था कि हम डायलॉग बॉक्स शो करके डायलॉग रिजल्ट ओके अगर होगा तो क्या करना है, कैसे करना है, ये फ़िलहाल हमने यहाँ पे सेटिंग नहीं किया है। प्रिंट डायलॉग सिर्फ हमने ओपन किया है कि किस तरीके से वो प्रिंट डायलॉग बॉक्स वहाँ पे आता है वो मैंने वहाँ पे आपको बताया। सो सिंपल आपको शो करके देखना प्रिंट डायलॉग बॉक्स में, ओके, और उसकी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है। नाउ दूसरा जो हमारा डायलॉग बॉक्स है ओपन फाइल डायलॉग, तो ओपन फाइल डायलॉग के अंदर हमें फाइल ओपन करनी है। ओपन फाइल डायलॉग हम एक काम करेंगे, इसमें एक इमेज फाइल ओपन करेंगे हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, हमने क्या किया है ओपन फाइल डायलॉग से रिगार्डिंग वो भी बात करते हैं। अब जब भी आप नया फाइल खोलते हो, ओपन करते हो, तो आपके पास ऑप्शन होता है, जैसे अभी यहाँ पे देखो फाइल जाके ओपन पे मैंने अगर क्लिक किया, नाउ या एक्चुअली वो चेंजेस यहाँ पे पूछ रहा है क्योंकि ये फाइल अनसेव्ड है ना, इसलिए तो वो ओपन की यहाँ को पूछ रहा है कि न्यू फाइल हमें यहाँ पे ओपन करना है, ओपन। सो ओपन के लिए पहले ये फाइल वो क्लोज करने के लिए बोल रहा है, सो हम इसको सेव कर देते हैं। सी दिस, नाउ इस तरीके से ये पहले सेव एज़ का आ गया, तो हम इसको है ना डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। सेव, नाउ दिस इज ओपन डायलॉग बॉक्स। तो ये ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स इस तरीके से वहाँ पे आपके एप्लीकेशन में भी आना चाहिए, C# के अंदर भी आना चाहिए। व्हेन एवर यू क्लिक द ओपन बटन सी दिस, ये इस तरीके से। तो आपको अगर ये ओपन फाइल डायलॉग लाना है तो उसके लिए भी हमने एक एप्लीकेशन बनाया, लुक एट हियर, ये है उसका एप्लीकेशन। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इसको रन करते हैं, रन करने के बाद यहाँ पे बटन वन आया एज यूजुअल, हमने उस पर क्लिक किया। बटन वन पे क्लिक करते ही उसने ओपन डायलॉग बॉक्स हमें दे दिया। नाउ आई एम गोइंग टू चूज़ वन फाइल, कोई भी एक इमेज फाइल हमने फिलहाल यहाँ पे लेना है। आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो, आई एम जस्ट ओपनिंग इमेज फाइल, ओपन। सी दिस, जैसे मैंने फाइल ओपन किया, जो फाइल मैंने ओपन किया है वो आपके जो हमने पिक्चर बॉक्स लिया है उस पिक्चर बॉक्स में वो इमेज वहाँ पे शो हो रहा है। तो हमने अभी किया क्या है, बटन वन पे कोडिंग किया क्या है कि किस तरीके से फाइल वहाँ पे आया। सो लुक एट द कोडिंग, कोडिंग की तरफ ध्यान देते हैं। पहले तो हमने ओपन फाइल डायलॉग ऐड कर लिया यहाँ पे और एक पिक्चर बॉक्स इमेज बॉक्स ऐड किया है, उसका सेटिंग आपको पता है, इमेज स्ट्रेट हमने सेट किया हुआ है, ओके। इमेज कहाँ से आने वाली है वो हमने वहाँ पर साइज़ मोड देखी है, साइज़ मोड स्ट्रेच इमेज सेट किया है और इसकी इमेज प्रॉपर्टी हम रन टाइम सेट कर रहे हैं। सो बटन वन पे जाते हैं, तो मुझे अभी पिक्चर बॉक्स वन में इमेज सेट करना है, इसलिए पिक्चर बॉक्स वन डॉट इमेज। पहले तो हमने ओपन फाइल डायलॉग वन डॉट शो डायलॉग,
हम अभी हमारे पास डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, ओपन फाइल डायलॉग वन, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अभी डायरेक्टली यहाँ पे ओपन फाइल डायलॉग वन लिया है ना, तो हम डायरेक्टली ओपन फाइल डायलॉग वन डॉट शो, ओके, इक्वल टू डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके, इक्वल टू डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके। अगर ओपन फाइल डायलॉग को शो करना है, शो करने के बाद डायलॉग रिजल्ट ओके बटन पे क्लिक करने के बाद, ओके बटन पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आता है, तो क्या करना है हमें, तो हमें वहाँ पे परफॉर्म करना है कि जो भी इमेज, सो इमेज, इमेज नाम का स्टैंडर्ड क्लास है, ओके, जैसे फॉन्ट नाम का स्टैंडर्ड क्लास है, कलर नाम का स्टैंडर्ड क्लास है, वैसे इमेज नाम का भी स्टैंडर्ड क्लास सी शार्प डॉट नेट में है। सो डॉट नेट फ्रेमवर्क की जो लाइब्रेरी है, इट इज़ वेरी स्ट्रांग लाइब्रेरी। आपको बहुत सारे ऐसे क्लासेस मिलेंगे जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा, इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि यू हैव टू सर्च द डॉट नेट फ्रेमवर्क लाइब्रेरी, FCL ढूंढो कि क्या क्या क्लासेस है, कितने क्लासेस है, तभी जाके आपको आसानी से प्रोग्रामिंग करते आती है। सो इमेज नाम का स्टैंडर्ड क्लास है, उसका फ्रॉम फाइल करके एक मेथड है, इस मेथड को हमें फाइल देना होता है। तो फाइल कहाँ से आने वाला है हमारा फाइल, तो हमारा फाइल आने वाला है ओपन फाइल डायलॉग वन से, और ओपन फाइल डायलॉग वन वहाँ से कहाँ पे, तो उसके फाइल नेम से आ रहा है, तो ओपन फाइल डायलॉग वन डॉट फाइल नेम, जो भी नाम का फाइल आएगा उसका पूरा का पूरा पाथ, पूरा का पूरा पाथ यहाँ पे इमेज में सेट हो जाएगा, बस एक लाइन का कोडिंग है, दैट्स इट, और फिर आपको ये आउटपुट वहाँ पे दिख रहा है, ओके। आई जस्ट रन इट, बटन वन, बटन वन पे क्लिक किया, वो ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स आ गया, यहाँ से मुझे जो भी फाइल ओपन करनी थी मैं करना चाहता हूँ, जैसे सपोज अब्दुल कलाम जी को हम यहाँ से चूज़ करते हैं, ओपन, अब्दुल कलाम आपके फॉर्म पे आ गए, दैट्स इट, ओके। तो इस तरीके से ये होता है आपका ओपन फाइल डायलॉग, ओके ओके। तो तीसरा हमारा आज का डायलॉग बॉक्स है सेव फाइल डायलॉग, सेव फाइल डायलॉग, ओके। अभी तीसरा जो सेव फाइल डायलॉग है उसका भी एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं हम, सेव फाइल डायलॉग, लुक एट हियर। अभी ये प्रोग्राम में हमने ना एक्चुअली तीन डायलॉग बॉक्सेस को यूज़ किया है, ये जो प्रोग्राम यहाँ पे दिख रहा है इसमें एक्चुअली तीन डायलॉग बॉक्सेस मैंने वहाँ पे दिए हुए हैं, ये चेंज फॉन्ट, फॉन्ट चेंज करना चाहेंगे तो फॉन्ट डायलॉग वन, चेंज कलर, कलर चेंज करना चाहेंगे तो कलर डायलॉग वन, एंड सेव फाइल, उस पर सेव फाइल डायलॉग, ओके। और कमेंट्स हियर, मुझे यहाँ पे कमेंट्स करनी है, तो हम एक फाइल सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले इसका आउटपुट देखते हैं, फिर बाद में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि एग्जैक्टली हमने परफॉर्म क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका आउटपुट देख लेते हैं सेव फाइल डायलॉग का, सी दिस। अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे मैंने लिखा विनोद महाजन GHR IBM, नाउ आई वांट टू चेंज द फॉन्ट, फॉन्ट को क्लिक किया, बोल्ड 14, ओके, फॉन्ट साइज ओके, सी दिस, ये फॉन्ट चेंज हो गया वहाँ पे। कलर चेंज करना चाहता हूँ, कलर बॉक्स आ गया, रेड कलर दे दिया, सी दिस। अब मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ, सेव फाइल, फाइल सेव करना है मुझे। अब मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, इसको नाम देता हूँ टेस्ट सेव। अब ये फाइल सच में सेव हुई कि नहीं और उसमें क्या कंटेंट्स आए, पहले हम इसको स्टॉप करते हैं एग्जीक्यूशन को और डेस्कटॉप पे जाके देखते हैं कि वेदर द फाइल इज सेव और नॉट, सी दिस टेस्ट। अब इसको हम ओपन विथ नोटपैड करके देखते हैं, ओपन विथ नोटपैड, सी दिस, जो कंटेंट्स हमारे वहाँ पे हमने कमेंट में लिखे थे वो कंटेंट्स में वो फाइल आपका सेव हो गया। सो इस तरीके से हम फाइल सेव डायलॉग भी वहाँ पे यूज कर सकते हैं। स्पेलिंग, हाँ ठीक है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, जो भी कंटेंट्स हमने लिख दिए वो सेव तो हो गए, बट दैट्स इट, आउटपुट से मतलब है। चलो ठीक है, अच्छा ध्यान है आपका, ओके। सो इस तरीके से हमने वहाँ पे वो सेव फाइल डायलॉग परफॉर्म कर दिया, ओके। अभी जो मैंने टाइप किया था वही वहाँ पे फाइल में सेव होगा, तो टाइप करते टाइम मिस्टेक हो गई तो वही फाइल में आपका आ गया, तो जो भी हमने यहाँ पे किया था। और सेव फाइल डायलॉग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमारा डाटा जो हमने बंद कर दिया था एप्लीकेशन, तो इस तरीके से हमने ये तीनों जो एप्लीकेशन, किसका माइक चल रहा है प्लीज़ बंद करो, चेंज फॉन्ट करके देखा, चेंज, अभी इसका कोडिंग देखते हैं कि तीनों बटन पे क्या क्या कोडिंग है।
पहले हम सेव फाइल का देखते हैं, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी सीख लिया है। अब सेव फाइल पे जाते हैं। सेव फाइल पे हमने क्या किया है, तो सबसे पहले हमारा जो सेव फाइल डायलॉग वन है उसको शो करके, ये कंपलसरी हर एक डायलॉग बॉक्स के लिए रहने वाला है, तो ये स्टेटमेंट तो आपने कभी भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने बोला, फॉन्ट का स्टैंडर्ड क्लास है, इमेज का स्टैंडर्ड क्लास है, रैंडम का स्टैंडर्ड क्लास है, कलर का स्टैंडर्ड क्लास है, वैसे फाइल का स्टैंडर्ड क्लास है। फाइल, फाइल डॉट राइट ऑल टेक्स्ट, उसका मेथड है राइट ऑल टेक्स्ट मेथड है उसका, कि सभी के सभी टेक्स्ट आपको वहाँ पे लिखना है। बट वो टेक्स्ट आएगा कहाँ से, तो वो टेक्स्ट आपका आने वाला है सेव फाइल डायलॉग वन डॉट फाइल नेम, क्या नाम से फाइल सेव करनी है आपको, है ना। तो वो फाइल नेम कहाँ से आएगा, ओके, पहले ये जो राइट ऑल टेक्स्ट है ना, इसको दो पैरामीटर देने होते हैं। पहला पैरामीटर होता है फाइल नेम, कि कौन से नाम से आपकी फाइल सेव होनी चाहिए। तो फाइल का नेम हमारा कहाँ से आने वाला है, तो फाइल का नेम हमारा वहाँ से आने वाला है फाइल नेम के बॉक्स से, जो हमने वहाँ पे परफॉर्म किया, ओके। और उसके बाद ये हो गया पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर है कि क्या कंटेंट्स आपको लिखने, क्या टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट हमारा कहाँ से आने वाला है, रिच टेक्स्ट बॉक्स। अभी देखिए, टेक्स्ट बॉक्स और रिच टेक्स्ट बॉक्स ऐसे दो अलग अलग कंट्रोल होते हैं। रिच टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, इट इज़ बाय डिफॉल्ट मल्टी लाइन। आप टेक्स्ट बॉक्स को अगर मल्टी लाइन ट्रू कर देंगे तो वो रिच टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है। बट टूल बॉक्स में सेपरेटली रिच टेक्स्ट बॉक्स नाम का कंट्रोल ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका यूज़ करके आप रिच टेक्स्ट बॉक्स मतलब मल्टीपल लाइन्स के लिए वो यूज़ कर सकते हो, तो मैंने वो यूज़ किया है। सो रिच टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, वहाँ से टेक्स्ट आएगा, और कौन से फाइल में लिखना है, ये फाइल में लिखना है, और इसको सेव कर देना है। तो इस तरीके से ये हमारा जो बटन था सेव फाइल डायलॉग का, उसका कोडिंग है। उसके बाद फॉन्ट डायलॉग कैसे चेंज कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आपको इसका लॉजिक है। फॉन्ट डायलॉग वन डॉट शो करके, ये देखिए हर एक का ये जो कोडिंग है ना ईप वाला, वो बदलेगा नहीं कभी भी, वो वैसे ही रहेगा। बीच में आपको कोडिंग देखो, रिच टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट फोर कलर, फोर कलर मुझे चेंज करना है फॉन्ट के ऊपर, तो अगर वहाँ से कलर आप चूज़ करना चाहे तो आप कलर कर सकते हो। हमने यहाँ पे सिर्फ फॉन्ट किया है, तो हम इसको बाद में कमेंट कर सकते हैं। और रिच टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट फॉन्ट, कहाँ से फॉन्ट आने वाला है, तो फॉन्ट डायलॉग वन डॉट फॉन्ट, जो फॉन्ट डायलॉग से आएगा वहाँ से जो फॉन्ट आएगा वो हमें इसको सेट कर देना है, दैट्स इट। और कलर का भी सेम उसी तरीके से हमें चेंज करना है, कि कलर कहाँ से आएगा, तो कलर आएगा आपका कलर डायलॉग वन डॉट से। सो कलर डायलॉग वन डॉट से कलर जो आएगा वो हमारा फोर कलर उसमें सेट हो गया। तो ये हो गया आपका वहाँ पे आउटपुट। अगेन उसको रन करते हैं, तीनों डायलॉग बॉक्सेस, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, कलर डायलॉग बॉक्स एंड सेव फाइल डायलॉग बॉक्स, तीनों का यहाँ पे डेमो कवरअप होता है हमारा। अगेन कुछ राइट करते हैं, अभी रामकृष्ण का नाम लिखते हैं, राम कृष्णा, ठीक है। अब इसका फॉन्ट चेंज करते हैं, तो फॉन्ट मुझे सपोज मान लीजिए इसका इटैलिक करना है, तो वो ये मैंने इटैलिक कर दिया, टेन कर दिया सीधीस। उसके बाद आई वॉन्ट टू चेंज द कलर ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट, आई एम गोइंग टू चेंज द कलर गिविंग ईयर, ओके। ना आई वॉन्ट टू सेव, अभी ये कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है, जब ये सेव होगा आपके टेक्स्ट फाइल में तो वहाँ पे ये ऐसा सेव नहीं होगा, जो आपका बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट रहेगा, जो आपके टेक्स्ट फाइल का नोटपैड के फाइल का जो फॉन्ट वगैरह रहेगा उसके अंदर से होगा। सो सेव फाइल पे क्लिक किया, अगेन आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल, आई वॉन्ट टू सेव दिस फाइल विथ राम डॉट टी एक्स टी। अभी मैंने डॉट टी एक्स टी दे दिया, इट बाय डिफॉल्ट इट इज नोट पैड फाइल। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद अगेन डेस्कटॉप पे जाता हूँ कि वहाँ पे राम, येस द फाइल इज क्रिएटेड। सो यहाँ पे हम उसको नोट पैड पे ओपन कर रहे हैं, आपको कंटेंट मिल जाएंगे, दैट इज रामकृष्ण। सो दैट्स इट। तो इस तरीके से ये यहाँ पे हमारे फाइल वहाँ पे बन जाते हैं। सो ये था हमारा, तीनों डायलॉग बॉक्सेस हमने इसमें कवर अप किया।